थाने अंतर्गत आने वाला ग्राम पांड्रा बोडी का एक मामला सामने आया है, जहां मोटरसाइकिल की टक्कर में एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद माहौल गर्मा गया। जानकारी के अनुसार पांड्रा बोडी निवासी विजय चकोले अपने घर से दुकान की ओर जा रहा था, तभी विपरीत दिशा से तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से आ रहे शुभम वाघमारे उम्र 21 वर्ष ने मोटरसाइकिल लापरवाही से चलाते हुए विजय चकोले को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर जख्मी हुए। इस घटना के बाद शुभम वाघमारे घटनास्थल से फरार हो गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही जख्मी को अस्पताल ले जाया गया, पर तब तक विजय चकोले की हॉस्पिटल में मौत हो गयी, जिसके बाद सोमवार सुबह गुस्साए ग्रामीणों ने मांग की है कि आरोपी वाघमारे को हिरासत में लिया जाए और इसी के चलते पीड़ित परिवार वाले पुलिस स्टेशन वर्ठी में पूरा गांव के साथ परिवार के लोग कार्रवाई की मांग करने पहुंचे। थानेदार मेशराम और उप विभागीय पुलिस अधिकारी संजय पाटिल ने गुस्साई भीड़ को काबू किया। सूर्यवन भगवानपुरे पांडरापुरी जाणार आहे। हा जो मुलगा होता शुभम सुनील वाघमारे, एवढ्या स्पीडनं काही दिवसापासून एवढ्या स्पीडनं गाडी चालवत होता का काही मुलांचे जीव जाता जाता वाचले, आणि त्याच्यानंतर काल तो वेगळ्या साईडने जाऊन सनी त्यांना दुसऱ्या यांना ठोकलं, रॉंग साईडने ठोकलं आणि त्यांच्या परिवारावर जो दुःख कोसळला आहे आणि त्यांचे जे मुलं बेघर झाले आहेत, म्हणजे वडिलापासून वेगळे झाले आहेत, त्यांना शासनाने न्याय द्यायला पाहिजे। न्याय देताना त्यांना त्यांची जी मागणी आहे ती मागणी पूर्ण करायला पाहिजे आणि त्याला अटक होऊन त्याला त्याच्या दोषीला शिक्षा व्हायला पाहिजे। भंडारा से BCN न्यूज के लिए सुरेंद्र चिंधालोरे की रिपोर्ट।